हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी लर्निंग हब। हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 5.1। द क्वेश्चन इज़ फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स एक्स वाई जेड। हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है एंगल्स की, एक्स वाई जेड की। तो आपको यहाँ पर फिगर गिवन है, यू कैन सी हियर दिस इज एक्स सॉरी वाई जेड 25x एंड 40 degree। तो यू कैन सी हेयर यू वी कैन यूज़ मैनी प्रॉपर्टीज़ लाइक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर एंड ऑल। इफ़ यू सी हेयर, अगर आप ये वाला पार्ट देखें, नीचे वाला y एंड 40 degree, तो ये देख रहे हैं y एंड 40 degree, ये किसका पेयर बन रहा है? लीनियर पेयर बन रहा है। तो हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यू कैन डू हेयर एंगल y प्लस 40 degree इक्वल्स टू 180 degree, एंड रीज़न क्या दे देंगे आप? लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 180 degree माइनस 40 degree, तो एंगल y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 140 degree। ठीक है, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू पता चल गई, 140 degree। अब हम अगर ये वाला पार्ट देखें, y एंड z वाला पार्ट, तो ये भी y एंड z क्या फॉर्म कर रहे हैं? लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ से z की वैल्यू निकल जाएगी, तो आप क्या करेंगे? एंगल y प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 degree, रीजन हो जाएगा आपका लीनियर पेयर। y की वैल्यू हमें पता है 140 degree, प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 degree। यहाँ से आप z की वैल्यू निकाल देंगे, 180 degree माइनस 140 degree। ठीक है, तो एंगल z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 degree। यहाँ से z की वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, अब हमें z की वैल्यू मालूम हो गई है, अब क्या करेंगे हम x की? यहाँ पर x है, यहाँ 25 है, एंड यहाँ z है, z की वैल्यू आ गई आपके पास 40 degree। अगर हम ऊपर वाला पार्ट देखें, x 25 एंड z, ये एक लीनियर फॉर्म पेयर फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर का। तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ आप करेंगे एंगल x प्लस 25 degree, या ये ले लीजिए आप ये वाला पार्ट भी ले सकते हैं, ऊपर वाला 40x एंड 25 प्लस 40 degree इक्वल्स टू 180 degree, रीज़न हो जाएगा आपका लीनियर पेयर। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, प्लस हाउ मच? 65 degree इक्वल्स टू 180 degree। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 180 degree माइनस 65, देन एंगल x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 115। सो इन दिस वे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। ओके,